स्मेल कर गया। हाँ रेनी के साथ हूँ। 60-70 हज़ार का हमारा नुकसान हो गया जो। और ये कैसा है, ये कैसे टिका हुआ है, क्या ही रोड है भाई साहब। और रेडी हो चुके हैं पूरा गियर्स वेस पहन के और निकल रहे हैं। अभी जाएंगे नाको के लिए, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और सारा अभी बिखरा पड़ा है, सारा सेट हो रहा है, काफ़ी लेट हो चुका है। कल रात को GoPro और मोबाइल की बैटरी सारी डेड हो चुकी थी, तो इसीलिए कल रात का वीडियो नहीं हो पाएगा। अभी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आगे एडवेंचर मिल रहा है अपने को। सो मिलते हैं राइड पे। और ये बाहर का अपना व्यू है, जैसा कि देख सकते हो हमने जहाँ होटल लिया था, अच्छा व्यू है। ठंडी कह सकते हैं नॉर्मल है, ज़्यादा भी नहीं है। अभी हम नारकंडा में रुके हैं, कल 9:30 बजे हमने यहाँ पे स्टे किया था और बहुत थक चुके थे, बहुत टायर्ड हो चुके थे, इसीलिए लेट उठे। सो अब निकल रहे हैं स्पीति के लिए, स्पीति नाको के लिए, तो मिलते हैं राइड पे। तो फाइनली गए, होटल से निकल चुके हैं हम और सारे बाइकर्स रेडी हो चुके हैं, तो अब निकल रहे हैं हम ताजा के लिए। कहाँ जा रहे हैं, नाकू जा रहे हैं ना, पहले सॉरी नाकू जा रहे हैं। और सारे रेडी हो चुके हैं और पीछे आप व्यूज देख सकते हो ये। सो होटल से निकल चुके हैं, नाको की तरफ जा रहे हैं और टाइम हो गया है 1 बज गए ऑलमोस्ट। अब देखते हैं पहुंच पाएंगे कि नहीं नाको, कोशिश करेंगे नाको तक पहुंचने की। रोड भी सही है इधर का, मक्खन और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है इधर। ठंड तो नॉर्मल है, अभी गर्मी लग रही है, हमने राइडिंग जैकेट वगैरह सब डाल रखे हैं। तो और व्यू दे सकते हो, क्या हो गया, दस पीछे रह गए। चलो सारे अपने भाई रेडी होके निकल चुके हैं। कल का जो ब्लॉग था, कल रात में नारकंडा पहुंचे थे, 9:30 के करीब हो गया था और GoPro की बैटरी भी डेड हो गई थी, तो इसीलिए वीडियो रात का बना नहीं पाया मैं और आईफोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। सो सुबह उठे हम करीब 10 के करीब और लेट हो चुके थे, बहुत थक चुके थे इसीलिए लेट हुए। और MT की बात करें, माइलेज में और पिकअप में पहाड़ों पे 1 नंबर चल रही है ये, मुझे बहुत इसका पसंद आया परफॉर्मेंस, मज़ा आ गया इस बाइक को चला के। पूरा कवर हो चुके हैं हम, इसीलिए थोड़ी आवाज़ ऐसी आ रही होगी। कभी भी कॉर्निंग पे पिछला या अगला ब्रेक ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, आप इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करो। अब जैसे कर रहे हैं यहाँ पे डाउन शिफ्ट कर दो और क्लच छोड़ दो, तो ये उससे क्या होता है कि डिसबैलेंस नहीं होगी। और कभी क्या होता है कि कॉर्निंग पे ज़्यादा ब्रेक लेने से ना स्लिप हो जाती है, स्किट हो जाती है टायर, तो उस वजह से एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा हो जाता है। अभी हम स्टॉप लेंगे रामपुर में, जो कि यहाँ से मतलब 49 या 48 किलोमीटर है। यहाँ पे रोक दिए हैं सर ने, क्योंकि आप देख सकते हो वहाँ पे एक छोटा सा स्लाइड हो गया है, यहाँ पे थोड़ा हमें रुकना पड़ेगा, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा।
सो दोस्तों एक और भारी नुकसान हो गया हमारे साथ, 60-70 हज़ार का हमारा नुकसान हो गया, जो कि एक GoPro था हमारे पास, वो गुम हो चुका है। GoPro के साथ साथ पूरा बैग में GoPro था। और हम कितने बजे पहुंचे थे यहाँ पे? 3 बजे। 3 बजे हम पहुंचे थे, 3 बजे से अभी तक ढूंढ रहे हैं, ढूंढा, कंप्लेन भी कर दिया बट मिला नहीं। एक्चुअली क्या है कि वो GoPro की बैटरी डेड थी, तो उसको हम बैग में रख रखे थे, जो एक छोटा सा बैग था, और डॉक्यूमेंट्स अपने अलग थे उसमें, और हम कहीं पे फोटोशूट के लिए रुके थे थंबनेल वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पे साइड में बैग रख दिया हमने। फिर वहाँ से निकल गए, जब 50-60 किलोमीटर आगे हम पहुँच गए, उसके बाद बैग नहीं मिला हमारे को, तो ढूंढा, बहुत कोशिश किया, फिर हम वापस गए ढूंढने के लिए, बहुत ढूंढा, कंप्लेन करके आए, अब भी आए, अभी खाना पीना हो रहा है, खाना ही खा रहे थे, पर जो हो गया वो हो गया। आज पूरे दिन में 60-70 किलोमीटर चले, 90 किलोमीटर बस। हमें कहाँ पहुँचना था? नाको पहुँचना, 200 किलोमीटर हमें नाको का टारगेट सेट कर रखा है, नाको पहुँचने आज पहुँचना, लेकिन अब कल करेंगे। हम अभी नारकंडा से कितने दूर है? 90 किलोमीटर बस, 10 किलोमीटर और आगे जाके होटल। चलो कोई नहीं, हो गया, करते हैं कल कंटिन्यू फिर से ट्रिप, आगे चलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, Day 3 निकल रहे हैं हम नाको एंड काजा के लिए, तो बैग पैक सारे हो चुके हैं और रात में हमें यहीं रुकना पड़ा सैनी होम स्टे में, और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हम निकल रहे हैं यहाँ नाको के लिए। सो किन्नौर में आपका स्वागत है, एंटर करते हैं, हम होटल से निकलते ही यहाँ पहुँच गए, देख सकते हो आप, निकलते हैं अब ट्रिप के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? तो होती है यहाँ से राइड स्टार्ट, Day 3। कल एक सीन हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल हमारा एक जो छोटा सा बैग था, पिट्ठू बैग, उसमें जो मतलब हमारे एसेसरीज थे, जैसे GoPro हमने उसमें यूज करके रख दिया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, पावर बैंक था, मेरी वॉच थी, चार्जर था, जितने भी सामान थे वो सारे उसी में थे। तो क्या हो गया कि हम कहीं पे फ़ोटोशूट के लिए रुके थे थंबनेल के लिए, तो ये जो पीछे भैया बैठे हैं इनके पास बैग थी, वो अब फ़ोटोशूट हो रहा है, इनको भी फ़ोटो खिंचवाना है, तो इन्होंने क्या किया कि साइड में कहीं रख दिया बैग, इन्होंने भूल गए वहीं पे बैग, और हम वहाँ से निकल गए। रोड थोड़ा ख़राब है, वहाँ से हम निकल गए, फिर 80 किलोमीटर जाने के बाद जहाँ हम खाने वाने के लिए रुके, फिर बैग पता चला कि बैग है ही नहीं। चलो ठीक है, बैग नहीं है, अब ढूंढने गए। 3 बजे हम होटल में मतलब कहीं रुके थे खाने के लिए, अब वापस ढूंढने गए, 80 किलोमीटर पीछे गए, 80 क्या 100 हो गया था टोटल, नहीं मिला वो बैग। लास्ट में शाम हो गई, अंधेरा हो गया, फिर हम आगे सोचे कि नहीं जाते क्योंकि आगे रास्ता ख़राब था, ये देख सकते हो आप रास्ता कैसा है आगे का, कंप्लेंट डाल दिया है। उसके बाद कल लेट हो गया, तो आज सुबह हम जल्दी मॉर्निंग में निकल गए थे, हमें हमारा टारगेट था कि 7 बजे हम निकल जाएंगे, जैसे ही सुबह होगी, सनराइज होगी, वैसे निकल जाएंगे, बट थोड़ा लेट हो गया, 1 घंटे, 8 बजे निकले हम, और रास्ता भी ख़राब है, ये मुझे लग रहा है 20-30 किलोमीटर तक रास्ता ख़राब मिलेगा, और बहुत पतला भी रास्ता है, देख सकते हो आप। अब यहाँ से एडवेंचर होने वाला है, बहुत सीन हुआ हमारे साथ जब से हम ये ट्रिप स्टार्ट की है। पहले तो NS160 की ऑयल लीक कर गई ऑयल फिल्टर से, फिर उसके बाद बुलेट की फ्रंट सस्पेंशन लेफ्ट वाला वो लीक कर गया, फिर GoPro हमारा गुम हो गया, मतलब बैग ही गुम हो गया, 60-70 हज़ार का वो नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया। तो रास्ता आप देख ही सकते हो, बहुत अब मतलब खतरनाक रास्ते आ रहे हैं अब तो, किन्नौर में एंटर किया तो आना तो चाहिए ही। ऐसा झरना, पानी कहाँ से निकल रहा है, देख सकते हो आप,
यहाँ चेक पोस्ट पे हम रुक गए एंट्री करवाने के लिए बाइकों की। सर बोल रहे एंट्री करवा लो, उतरने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये चेक पोस्ट है, यहाँ हमारी एंट्री होगी। i4 22। अकेले हो? हाँ, रीनी के साथ हूँ। सोल नहीं, पिलियन नहीं है। एक ही बाइक पर है? एक ही बाइक पे। सो निकलते हैं, हो गया एंट्री। बाइकों की एंट्री होती है, नाम पता, एड्रेस पूछते हैं बस, मोबाइल नंबर। देख सकते हो किन्नौर में एंटर कर चुके हैं हम। और ये कैसा है, ये कैसे टिका हुआ है, क्या ही रोड है भाई साहब। लैंडस्लाइड भी हो रहा है और आप देख सकते हो नजारे। आज तक ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया अपने लाइफ में। लेह लद्दाख भी आ चुका हूँ बट इतना वो नहीं था। स्पीति का सच में इंडिया का मोस्ट डेंजरस रोड बोला जाता है। अभी मेरे ऊपर थोड़े थोड़े लैंडस्लाइड हो गए थे, सो थोड़ा फ्यूल अप करवा लेते हैं गाइस, क्योंकि आगे क्या पता पेट्रोल पंप मिले ना मिले। ये रोड मनाली वाले में नहीं मिल सकता, ऐसा रोड तो मनाली वाले रूट पे नहीं मिलेगा। ये शिमला वाले रूट पे मिलेगा, बहुत मस्त है। अभी तो वो फ़िलहाल बंद है, नवंबर का महीना चल रहा है सो वो बंद ही होगा अभी। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो यहाँ पे तो फुल फुटेज शूटिंग चल रही है, फोटोशॉप चल रहा है, मतलब फोटो फाटो चल रहा है। अब क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के, वाह। ऐसा नज़ारे तो कभी नहीं देखा था मैंने, साइड में रिवर और इतना अच्छा रोड, इतने अच्छे माउंटेन दिख रहे हैं। तो फाइनली नाको पहुंच गए, यहाँ पे कुछ खा पी ले उसके बाद निकलते, थोड़ा यहाँ पे लंच होगा। और देख सकते हो हालत ख़राब हो गई है, ठंड बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी सी क्योंकि शाम हो रहा है। और ये सब यहाँ पे कैंटीन ढाबा टाइप का है, तो यहाँ पे हम थोड़ा लंच कर लेते हैं, टाइम 3:30 के ऊपर ही हो गया होगा। और क्या ही वेदर है और क्या ही लोकेशन है, मज़ा आ गया। अब यहाँ से निकलते हैं हम ताबो के लिए, पहले कुछ खा पी लेते हैं। ये देखो इतनी सुंदर गली, और ये देखो मार्केट छोटी सी, ताबो, वी आर हेयर ताबो, मतलब पूरे गांव में यही एक मार्केट है, छोटी सी कह सकते हैं। यहाँ सब कुछ सामान, मतलब एवरीथिंग, मुझे लग रहा है कि सब मिल जाएगा। ये देखो बर्फ, ब्लैक आइस, -5 डिग्री 6 डिग्री का ब्लैक आइस इसको कहते हैं। जम गया है ना पानी, जम जाता है इसमें, इसमें भी पानी जम गया होगा, इसमें बंद में है ना भाई वो। अच्छा खुले में, अच्छा रात को जम जाएगा।